हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। हमारी आंखों में आंखें डालकर देखो, क्या नजर आता है तुम्हें? आंखों में आंखें डालने से क्या होता? प्यार। हिम्मत है ना, तो हमारी आंखों में आंखें डालकर इनकार कर दो। कैसे आदमी हो यार तुम? तुम ना दोस्ती पे कलंक हो हमारी। अरे भैया यहाँ देखो, जिंदगी में सूखा पड़ा है, जवानी सूखे दातुन की तरह हो गया। सैया तो दूर कोई भैया बनाने को राजी नहीं है हमको। और एक तुम होगी लौंडिया, कह रही है प्यार करते हैं तुमसे, प्यार करते हैं, लेकिन नहीं। गुरु तुम ना हमको हमारे 500 रुपए वापस लौटा दो। देखो मन्नू, हम कह रहे हैं ना, हम उससे प्यार ही नहीं करते तो कैसे कहें? घंटी तो बजनी चाहिए ना। अरे भैया आपने दिल को क्या साइलेंट मोड पे रखे हो, जो प्यार की रिंगटोन नहीं सुन पा रहे हो? गुरु ये सब छोड़ो, लास्ट टाइम सलाह दे रहे हैं, लौंडिया को फोन लगाओ, आई लव यू बोल डालो, कहानी सेट तुम्हारी। मन्नू यार तुम ना सुन नहीं रहे हो, हम कह रहे हैं कि दिल में अगर कोई फीलिंग्स है ही नहीं तो क्या बोले उसे? अरे भैया पान पे पहले चूना लगाओ के कत्था, रंग तो लाल ही आएगा ना खाने के बाद। मन्नू सुनो, हमसे है ना गलती हो गई, ठीक है? हमने बेकार में तुमको फोन किया, हम अभी रखते हैं, और अपनी एडवाइस ना तुम अपने पास ही रखो। सुनो तो हमारी बात अर्जुन। कैश तैयार है, आप प्लीज चेक कर लीजिए। हमने चेक कर लिया ना, काफी है। देखो विश्वास करो तो पूरी तरीके से करो, नहीं तो ना करो। थैंक यू सो मच। वेलकम। ओके सर। गुड मॉर्निंग चांदनी। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। आपके सिमी से कुछ बात हुई? हाँ उसका फोन आया था, पूरा ड्रामा समझा दिया कैसे क्या करना है। अच्छा सिमी कुछ कह रही थी हमारे बारे में? हाँ सिमी को आप पे फुल कॉन्फिडेंस है। उसने ये भी कहा कि कॉलेज में एक हाफी तो थे जो अमिताभ बच्चन लगते थे। क्या डायलॉग मारते थे आप। हाँ वो कॉलेज में साइलेंट रोल काफी किए हमने। हाँ हाँ साइलेंट। वो कहते ना कि आज भी वो हमारी आंखों में क्या बोलते उसे शिद्दत, हमारी आंखों में शिद्दत देख ली होगी सिमी ने। वो क्या है ना कि ये जो हमारा लुक है ना पूरा बच्चन साहब की तरह। बस तो आप अपना टैलेंट दिखा दीजिए। बस आप एक्शन बोलिए। एक्शन। 4 दिन हुए नहीं नौकरी करते हुए और तुम्हें लोन चाहिए, ये कंपनी क्या तुम्हारे बाप की है? सॉरी सर, लेकिन अगर हमारी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स नहीं, तुम्हारे घर की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये कंपनी नहीं खोली हमने। तुम्हें जॉब करना है तो करो, नहीं करना तो घर जाके बैठो। लोन तो क्या, तुम्हें एडवांस सैलरी भी नहीं मिलेगी। अब खड़े खड़े मेरा मुंह मत देखो, जाओ यहाँ से। बॉस ने आपको इस फाइल के साथ अंदर बुलाया है। हाँ अर्जुन आओ बैठो। तो ये फाइल आपने लाने के लिए कहा था? हाँ। ये बार बार उधर क्या देख रहे हो, ज्यादा सिंपथी हो गई है क्या? नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है, वो एक्चुअली बहुत मुसीबत में है। तुम अगर मेरी जगह होते तो क्या उसके मांगने पे 15 लाख रुपए दे देते? 15 लाख? जी महोदय 15 लाख। अब आप इस फाइल को लीजिए और इस पर काम शुरू करिए। इस काम को आपको इसी कैबिन में आज पूरा करना है। जी सर।
सिमी, अरे आज तो हमें ग्लिसरीन की भी जरूरत नहीं पड़ी, ऐसा फूट फूट के रोए ना हम, बस ऐसे ही आगे बढ़ती रहो। आई एम प्राउड ऑफ यू चांदनी। पर हमारी समझ नहीं आ रहा, तुम हमसे करवा क्या रही हो? अब कल तुमने हमसे प्यार का नाटक करवाया और आज ये, अब कल तो ऑफिस में छुट्टी है, तो फिर परसों क्या करवाने वाली हो? परसों? पागल हो? प्यार और जंग में कोई छुट्टी नहीं होती, तुम कल ही उससे मिलोगी। संडे को? कैसे? भिड़ाते हैं कोई आइडिया। कल देखना, ऐसी आग लगाएंगे कि अर्जुन शर्मा के दिल में तुम्हारे प्यार की ट्यूबलाइट जल जाएगी। क्या हुआ मनोहर जी? मैं संभाल लेता हूँ। रहने दीजिए। अरे बैजू पकड़ना। आ जा बैजू। बेबी सो रहा। फूफा जी जब हम हैं यहाँ पे तो आप क्यों कर रहे हैं ऐसा? अब घर के जो जवान बच्चे हैं तो कर लेंगे ना काम। आप ये अर्जुन शर्मा कहाँ रहते हैं? जी अर्जुन शर्मा तो मैं। हाँ तुम मतलब आप जाइए, जाके अर्जुन को बुला के लाइए। आइए भाई साहब। वो मैं ही कह रहा था कि अर्जुन, अरे अर्जुन तुमसे मिलने कोई बेबी गर्ल आई है। अरे गलत सुना होगा आपने, अर्जुन से नहीं अनुज से मिलने आई होगी। अरे गंगा मैया की कसम, उन्हें तो बस अर्जुन से ही मिलना है। हाँ अगर दिमाग खराब होगा तो अर्जुन से मिलने आई होगी। हम देखते हैं। हाँ जाओ। हाय अनुज मिश्रा, मुझे बोल दिया होता मैं आ जाता। ओ हेलो रोड रोमियो, जाके शक्ल देखो अपनी सेल्फी में, मुझे अर्जुन शर्मा से मिलना है, भागो यहाँ से। अरे अनुज बेटे देखो अपना अर्जुन कहाँ रुका है, ये मिलने आए। हाँ जी मैं वही बोलने आया था कि अर्जुन भैया आ रहे हैं, मैं लेकर आता हूँ। कहीं चांदनी नहीं? हाँ जी। तुम तो चांदनी की फ्रेंड हो ना जो उस दिन। वो सब बातें पुरानी है, अभी लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज़ है, तुम्हारी बात हुई चांदनी से? नहीं तो क्यों? क्या कर दिया तुमने मेरी फ्रेंड के साथ? देखो तुम घुमा फिरा के क्यों बातें कर रही हो, जो बोलना है सीधे सीधे बोलो ना। बस यही कह रही थी कि ये एक दोस्त का सहारा है, तुम्हारा नाम लेके वो बोल रही थी सारी स्टोरीज, तो हमें लगा तुम्हें पता होगा कहाँ है वो। देखो एक टेक्स्ट भी आया था आज सुबह, गुड बाय जिंदगी, लव यू जिंदगी, हम जा रहे हैं तुम्हें छोड़ के, हमें माफ कर देना, सॉरी जिंदगी। क्या मतलब है ये? सच में ना पागल है। एक और आया देखो, एक तुम ही दोस्त हो सिमी, बाकी कौन है लाइफ में? याद है बचपन में जहाँ हम दोनों बैठकर आगे की लाइफ के सपने देखा करते थे, उसी जगह में हूँ मैं, यहाँ से करूँगी लाइफ को गुड बाय, हॉर्न प्लीज, ओके टाटा। चलो मुझे पता चांदनी का है, चलो चलो। चांदनी, चांदनी, चांदनी। अर्जुन यही वो जगह है जहां हमारी दोस्ती की शुरुआत हुई थी। कब आएंगे यार ये लोग? चांदनी, तो चांदनी, चांदनी, चांदनी। चांदनी उठ, आज तुझे एक्टिंग करने का वो मौका मिला है जिसके बाद दुनिया तुझे याद रखेगी। चांदनी चांदनी रुक जाओ, क्या कर रही हो यार? हमारे पास बताना, मर जाने दो हमें। देखो जो हुआ सो हुआ, हम हैं ना यहाँ पर, जो प्रॉब्लम है हम सॉल्व करेंगे साथ में मिलकर। तुम हमारी प्रॉब्लम नहीं समझोगे, अरे हम वो चांदनी है हमारे पास बताना, हम खुद भी जल जाएंगे और तुम्हें भी जला देंगे। सिमी नहीं चांदनी यार क्या कर रही हो, फेंक दो यार। नहीं अर्जुन सिमी,
कोई हमारे पास नहीं आएगा, कोई नहीं। हाँ जी चांदनी, जल के राख हो जाएगी। चांदनी प्लीज प्लीज हमारी बात सुनो। देखो प्लीज वो माचिस की तीली फेंक दो। हम नहीं जीना चाहते। सभी यार सब जाओ रहे। अरे वो सही कह रहा है यार, तुम उसकी बात समझो। आग नहीं लगा सकते तुम। नहीं सिमी, नहीं चांदनी बात को समझो। ये कौन चला गया पानी लेने के? घूम जा घूम जा घूम जा। नहीं सिमी, हम तुम्हारी बात भी नहीं सुनेंगे। हम नहीं जीना चाहते। कहा ना हमने। पागल हो गई हो तुम? दिल लगया यारा तुझसे, दिल लगया न जानो कैसे, दिल लगया यारा तुझसे, दिल लगया तुम अपनी जान भी लेना चाहती थी तुझसे, दिल लगया और जिंदगी क्या कोई रद्दी कागज है जो ऐसे ही जला दिया यारा तुझसे, दिल लगया। क्यों बचाया हमें? तुम तो हमसे प्यार भी नहीं करते। चांदनी तुम बात तो सुनो। ठीक तो हो ना? थैंक्स अर्जुन, तुमने ये तो पता नहीं आज। यार तुम्हें ऐसी कौन सी मुसीबत आ गई जो कानपुर का कोई भी इंसान सॉल्व नहीं कर सकता? अर्जुन, हमारे पापा को 2-3 दिनों के लिए 15 लाख रुपए चाहिए। तुम ही बताओ कौन देगा हमें 15 लाख रुपए? बॉस ने भी मना कर दिया, सुना था ना तुमने? हमारे पापा ने हमारा इंश्योरेंस कराया था 15 लाख रुपए का, तो हमने सोचा कि अगर हम जान दे देंगे तो पापा को वो 15 लाख रुपए मिल जाएंगे। बस यही एक आखिरी उम्मीद थी हमारे पास। तुम्हारा मैथ्स और तुम्हारा इकोनॉमिक्स ना एकदम फेलियर है। अरे सुसाइड करने से इंश्योरेंस के पैसे मिलते हैं क्या? तो तुम ही बताओ और कैसे जान देते हम? कैसे निकालते हमारे पापा को इस प्रॉब्लम से? हमें पता है तुम्हें लग रहा होगा कि हम एक और झूठी कहानी सुना रहे हैं, पर अगर तुम्हें हम पर भरोसा नहीं है तो तुम हमारे पापा से क्यों नहीं मिल लेते? जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए। यहाँ रहते हो? हाँ अर्जुन, आओ ना आओ। सॉरी, हम तो बस दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहे थे पर। कोई बात नहीं अर्जुन, हमारी किस्मत का दरवाजा और कैसा होगा? हम उठा लेते। अर्जुन Oh!
चांदनी बेटा, आज मेरा दिल बहुत घबरा रहा था। क्या हुआ पापा? तनुज बेटा, आज मेरी बाई आंख फड़क रही थी बहुत देर से। तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारी माँ की भी अस्पताल में बाई आंख फड़क रही थी आज। वैसे माँ को कब डिस्चार्ज कर रहे? 2-3 हफ्ते और लग जाएंगे बेटा, बीमारी ऐसी है। तुम्हारी माँ सच बोलती है बेटा। मुसीबतें आती है तो झुंड में आती है। बेटा ये तो वही महानायक है टीवी पर देखा था। शाबाश बेटा, तुम जैसे महानायक हो तो खलनायकों की तो छुट्टी, समझो। तुम तो कानपुर के रजनीकांत हो। और पापा देख लो बेटा क्या समय आ गया है। जिस उम्र में हमें अपनी बेटी के हाथ पीले कर देने चाहिए थे, हम नौकरी करवा रहे हैं। लाने थे हम पर। अरे अंकल, आप थोड़ा कम परेशान हुई है, कहीं आपको पीलिया ना हो जाए। और आपकी सारी परेशानियां दूर करने, समझिए फरिश्ता आ गया आपके घर में, है ना अर्जुन? करेंगे ना परेशानियां दूर? हाँ बिल्कुल। आपको कुछ 15 लाख रुपए की जरूरत थी, ऐसा चांदनी ने बताया हमें। चांदनी, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है हमारी परेशानियां परायों को मत बताया करो। अरे अर्जुन पराया कहाँ है, वो तो अपना ही है ना। हाँ बिल्कुल। देखिए आप प्लीज हमें पराया मत समझिए। ठीक है, अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो बता देता हूँ। देखो बेटा, एक दुकान है, पहले हमारी ही थी, 2-3 दिन में सौदा होने वाला है। मेरा एक दोस्त मुझे 20 लाख रुपए दे रहा है, लेकिन वो अमेरिका से आएगा, उसे आने में 2-3 दिन लग जाएंगे। अगर 3-4 दिन के लिए 15 लाख रुपए का इंतजाम हो जाता तो हम कुछ कोशिश करके देखते हैं। जीते रहो बेटा। देखो अर्जुन, हम दिल से नहीं चाहते कि तुम हमारी वजह से किसी प्रॉब्लम में फंसो। जिंदगी हमारी है, प्रॉब्लम भी हमारी है, सॉल्यूशन भी हम ढूंढ लेंगे। क्या करोगी तुम? जान देने चली थी, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो तुम्हारे पापा पर क्या गुजरती, सोचा इस बारे में तुमने कभी? हम अकेले पड़ गए थे। अकेली कैसे पड़ गई? तो हम नहीं है क्या तुम्हारे साथ? मतलब दोस्त है। देखो हम जानते हैं इस वक्त तुम्हारा बुरा वक्त चल रहा है, और हम तो बचपन से ही बुरे वक्त से गुजरते हैं। आज तक हमने कभी भी वक्त के सामने घुटने नहीं देखे। जानती हो दुनिया में सबसे बड़ा बोझ क्या है? बाप के कंधे पर अपने बच्चों की अर्थी का बोझ। शोले? हाँ, वो मन्नू है ना, पागल है, दिन में 2 बार मोबाइल पे रोज देखता है, तो उसकी वजह से हमें भी याद पड़ी है। देखो बात फिल्मों की नहीं है, बात जिंदगी की है। तुम्हारे पापा ऑलरेडी बहुत मुश्किल में है, मौत क्यों बढ़ाना चाहते हो? अर्जुन, हमारे बारे में इतना क्यों सोचते हो? कि हम तुम्हें पसंद करते हैं। पसंद करते हैं। क्यों छुपाने की
दिल ये कोशिश कर रहा इसकी नाराजगी किसी से बोलना भी जरा ना मैं जानू हूँ हम सफर है या गैर या यह इश्क की ही कुछ साजिश है क्या पता दिल लगया क्यों ये तुझ संग ही लगया न जानू ये इश्क है आधाया है पूरा तू ही बता सजना